90 वर्ष पूरे करने के बाद केहर सिंह जी धीरे धीरे अपनी शारीरिक शक्ति खोने लगे और अधिकांश समय कैंची आश्रम में अपने कमरे की पहली मंजिल की बालकनी से वे बस चुपचाप सब कार्यकलापों को और लोगों को निहारा करते। गर्मियों के महीनों में और यहाँ तक कि शरद काल तक वे कैंची आश्रम में ही रहते और बाद में माँ उन्हें वृंदावन ले जाती और वहाँ पर उनकी देखभाल श्री दिनेश शर्मा जी किया करते थे, जो कि आश्रम के पास ही रहते थे। फिर वे बस गुमसुम रहने लगे थे, जैसे कि स्वर्ग लोक जाने की तैयारी कर रहे हों। माँ बराबर लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए भेजती रहती और वे भी अपनी शारीरिक अवस्था के बारे में माँ को खबर भिजवाते रहते थे। हर जाड़ों में माँ लोग दक्षिण भारत में चेन्नई प्रांत में स्थित वीरापुरम नामक स्थान के बाबा जी के आश्रम में रहती और इस तरह हिमालय की कड़ाके की सर्दी से बच जाती। माएँ जनवरी के अंत या फरवरी के शुरू तक वृंदावन आ जाती और श्री केहर सिंह जी को अप्रैल के अंत या मई मास के मध्य में कैंची आश्रम ले जाने का इंतज़ाम करती। इसी तरह के एक जाड़े के अंत में मुझे माँ का संदेश प्राप्त हुआ कि मैं उनसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलूं और सीधे ही सबको वृंदावन ले जाऊं। मुझे अभी भी खूब याद है जब 13 फरवरी को सुबह 7:30 बजे मैं माँ से स्टेशन पर जाकर मिला। हम लोगों ने दो कारें की और सीधे वृंदावन के लिए चल दिए और दोपहर को करीब 12 बजे वहाँ पहुँच गए। मैंने भोजन किया और वापस दिल्ली को चल दिया। आश्रम छोड़ने से पहले मैं श्री केहर सिंह जी को देखने गया। वे उस समय बहुत कमज़ोर लग रहे थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। जब मैंने उनके चरण छुए और चलने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले कि क्या तुम नाचोगे? मैंने हाँ कहा, ये सोचकर कि शायद वे होली के उत्सव पर मेरे नाचने की बात को लेकर ऐसा कह रहे हैं और होली भी तो बस अगले ही महीने आने वाली है। दिल्ली लौटकर 19 तारीख को मैं कहीं बाहर चला गया और 22 की सुबह को लौटा। दिल्ली में मुझे संदेश मिला कि श्री केहर सिंह जी ने अपना शरीर त्याग दिया है और मैं एकदम वृंदावन के लिए चल दिया और सुबह करीब 9:30 बजे वहाँ पहुँच गया। इन दिनों की मेरी अनुपस्थिति के दौरान माँ ने श्री केहर सिंह जी की देखभाल की। उन्होंने सिंह साहब के रोज़ाना के स्नान और सुबह में कपड़े बदलने का इंतज़ाम करवा दिया, जिससे उनकी कुछ ताकत फिर से लौटी। कैंची आश्रम के एक निवासी श्री दिनेश त्रिपाठी को माँ ने विशेष रूप से श्री केहर सिंह जी की देखभाल के लिए रखा था। माँ अक्सर उनके कमरे में जाती और उनके हालचाल पूछती। 21 फरवरी की सुबह को श्री केहर सिंह जी ने स्नान किया, दाढ़ी बनाई और नए वस्त्र धारण किए। श्री दिनेश त्रिपाठी ने भी केहर सिंह जी से मजाक में कहा कि आप बहुत खूबसूरत और चुस्त लग रहे हैं। श्री केहर सिंह जी ने दोपहर को भोजन के समय सब्जी का झोल और खाना बड़े आनंद के साथ खाया और बाद में आराम किया। रात के 10 बजे की बात है कि माँ ने अचानक ही श्री केहर सिंह जी को जाकर देखने का निश्चय किया। वे सुश्री जया को लेकर, जो कि हर समय माँ की सेवा में रहती हैं, श्री केहर सिंह जी के कमरे में गई। वहाँ जाकर उन्होंने दिनेश को श्री केहर सिंह जी को बिस्तर में बैठाने के लिए कहा और स्वयं श्री केहर सिंह जी के सामने ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। सुश्री जया को उस घड़ी की महत्वपूर्णता का अंदाज़ा हो गया और तब वे केहर सिंह जी से बोली, पापा, स्वयं जगत जननी जगदम्बा आपके सामने बैठी हैं, आपको मालूम है? श्री केहर सिंह जी ने अपना सिर हिलाकर अनुमोदन किया और हाथ जोड़कर अपलक माँ को निहारते रहे। माँ ने भी उनकी ओर देखा। तब उसी क्षण जन्म जन्मांतरों के आपसी संबंधों की अभिज्ञप्ति
और श्री केहर सिंह जी की अपनी हार्दिक इच्छा, जो कि कई वर्ष पूर्व उन्होंने माँ के सामने प्रकट की थी, इस प्रकार पूरी हुई। यद्यपि उनकी इस उत्कृष्ट अंतिम विदा के क्षण को मैं स्वयं तो नहीं देख पाया, परंतु उन लोगों ने जो कि उस समय वहां उपस्थित थे, उस घटना का विस्तृत विवरण मुझे दिया। धीरे धीरे श्री केहर सिंह जी की आत्मा ने प्रयाण किया। वह संभवतः उस स्थान को गई जहां की मुक्त और कृपा प्राप्त जीवात्माएं परमात्मा में समा जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर की चमकती ऊर्जा की वो वैतरणी, जिसे लोग वान एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं, भी श्री केहर सिंह जी ने पार की और उनका परमात्मा से मिलन पूर्ण एवं निस्संदेह था। भगवान से मांगा गया वरदान तो पूरा होना ही था। और ये भी सच है कि मैंने श्री केहर सिंह जी को दिया हुआ उनके सामने नाचने वाला अपना वचन भी पूरा किया। जब सब समाप्त हो गया तो उनकी चिता स्थल के आगे मैं नाचा भी था।